हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ टॉप 5 लिपस्टिक्स की, जो कि लेटेस्ट इस सीजन का फेवरेट शेड, जो रानी पिंक पर्पल का जो एक कॉम्बिनेशन इस समय इन है, उस कलर को दिखाने वाली हूँ। और ये लिपस्टिक्स बहुत ब्यूटीफुल पिंक लिपस्टिक हैं, जो कि हर एक इंडियन स्किन टोन पर ही क्या, हर एक स्किन टोन पे फ्लैट तरीके से जाएंगी। तो सबसे पहला जो शेड है, दिस इज लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम लैक्मे रूज ब्लूम कलेक्शन से। दिस इज द शेड 502 लिप कलर, ओके। एंड ये बहुत सुंदर लिप कलर है, और इसको आपको बता दूं 1199 रुपीज की ये लिपस्टिक आती है, ऑलमोस्ट 1200 रुपए की है। बट अभी मैं सारी एक एक लिपस्टिक जो है आपके जस्ट सामने ही अप्लाई करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो लिप्स पे अप्लाई कर रखी है ना, मेबलिन की ये टेडी टिंट, ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो ये जो लिपस्टिक है, ये एक लिक्विड लिपस्टिक है, और ये देखिए इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं, और मैं प्रोडक्ट सारे ही टैग कर दूंगी, आप परचेज कर लेना। पर्पलिश रानी पिंक कलर इस समय सीजन में सबसे ज्यादा हिट कलर चल रहा है, तो अगर आपको ये लिप कलर चाहिए डेफिनेटली ले सकते हो। एकदम फेदर लाइट लिपस्टिक है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंसली सेट हो जाती है जस्ट तुरंत। आप देख लो, ये वाला शेड आप जरूर से परचेज करना। जब लिपस्टिक स्वैचेस करने होते हैं तो थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा लिया जाता है, वरना तो इतना ज्यादा लिपस्टिक्स रिमूव कर करके लिप्स बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। दूसरा जो लिप कलर है, दिस इज माय फेवरेट नायका मोल्टन मैट लिप एंड चीक कलर का शेड नंबर 12 शार्लेट। एंड ये है दिस इज द शेड, आपको एक चीज बताऊं, ये एक ऐसी लिपस्टिक है जो कि ऑयल बेस्ड है, बट मैट लुक देती है, पिगमेंटेशन लिप्स पे बहुत अच्छा रहता है, एंड ये एक मस्ट हैव है। अगर आपका मेरे जैसा कलर है, ठीक है, स्किन टोन, इसमें दो शेड ट्राई करना, एक तो ये और एक शेड है ब्लेयर, माय गॉड ये वाला, ये इतना स्किन टोन को ब्राइटर दिखाता है कि मैं क्या ही बताऊं, पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। हमेशा मैंने ब्लेयर को ऑलवेज इस्तेमाल किया है, और उसका ड्यूप मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द शेड फ्रॉम मेबलिन टेडी टेंट 55 नी हाई, ये भी उसका ड्यूप है, बट करंटली हम रानी पिंक कलर्स की बात कर रहे हैं ना। सो ओ माई गॉड, ये शेड बहुत सुंदर है, ठीक है। और रिमूव करने के लिए मैं ना कलर बार के मेकअप रिमूवर वाइप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड ये इजीली रिमूव हो गया, और इसको जब चाहे आप रीअप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो लिपस्टिक स्वैचेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बट आज मैं एकदम रॉ वीडियो आपको दिखा रही हूं, ठीक है। फिर से किनारे किनारे का फाउंडेशन हट जाता है ना मुंह के, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये हम सब करते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अब आप सोचो मैं लिपस्टिक रिमूव करूं और मेरी स्किन बिल्कुल भी एकदम अनइवन ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। नाउ थर्ड लिपस्टिक इज फ्रॉम लैक्मे, लैक्मे एब्सोल्यूट का लिप मूज शेड है 201 पर्पल हेज। एंड ये एक मूजी मैट लिपस्टिक है, जो कि बहुत सुंदर है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिप्स लाइट वेलवेटी एंड बहुत सुंदर दिखें पास से, गो विद दिस। और एक बात, अगर आपको मेरी ये लिपस्टिक वीडियोस पसंद आए ना, तो आप मुझे बताना, मतलब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और वीडियोस करूंगी, बिकॉज मेरे पास लिपस्टिक्स बहुत सारी हैं, एंड गिव अवे भी करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं इन्हें लगा पाती नहीं हूं, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे इनको आप लोगों को दे देना चाहिए फाइनली, बिकॉज ओ माई गॉड, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं लिप बाम भी पता नहीं कभी कभी लगाती हूँ घर पे, बट वीडियो के लिए लिपस्टिक्स लगानी पड़ती हैं। सो सी, ये शेड काफी अच्छा है, लिप मूज है, तो इसको ना आप चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 4.6 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी में, पर्पल हेज शेड है 201 लैक्मे एब्सोल्यूट का लिप मूज लिपस्टिक्स में से, और लिपस्टिक्स तो वही है लैक्मे की, बट अभी करंटली पैकेजिंग चेंज हो गई है, तो हम लेटेस्ट पैकेजिंग वाली लिपस्टिक्स का भी वीडियो बनाएंगे, ओके। एंड ये भी इजिली रिमूव हो गई,
जो सॉफ्टली रिमूव हो रही है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और है तो बहुत ही सुंदर लिपस्टिक्स। ओके नाउ ये तीन लिपस्टिक हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ एक बहुत प्यारे लिप कलर की, दिस इज फ्रॉम मेबलिन, और ये मैंने लेटेस्ट परचेज किया है, एकदम फ्रेश है। सुपर स्टे विनिलिंक शेड है इसका, स्ट्राइकिंग 150। ओ माई गॉड, ये लिपस्टिक देखो, किसी ने कहा था आपकी वीडियो में वो लिपस्टिक्स के जो शेड दिखते हैं वो सचमुच में नहीं होते, वो ही दिखते हैं दोस्तों। सबके फोन का ना कलरिंग अलग अलग होती है। थैंक ये देखो, मैं तो एग्जैक्ट वही दिखाती हूँ जो इसमें दिख रहा है शेड, यही परचेज किया था। बल्कि मैंने इसको जब देखा नायका पे, तो लोगों ने जो रिव्यू डाले उसमें ये पर्पलिश कलर दिख रहा था, बट इट इज हॉट पिंक, रानी पिंक कलर है, एंड जिसमें एक पर्पल का टोन है, और ये बहुत लाइट वेट है। और इसके मैं डिफरेंट शेड्स परचेज करूंगी, बट ये बहुत सुंदर लग रही है, एंड मेरे आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छे से जा रही है ये। और मैंने सिर्फ फेस पे फाउंडेशन लगाया था, सो ये सेट हो जाएगी, मगर अभी हमें इसको ना फटाफट रिमूव करना है। एक और लिपस्टिक लगा के दिखानी है, तो मैंने चार लिपस्टिक आपको दिखा दी। अगर आपको बुलेट लिपस्टिक्स में टोटली रानी पिंक कलर की लिपस्टिक देखनी है, आप मुझे बताना, ठीक है। अब देखो ना लिप्स की क्या हालत हो जाती है, चार लिपस्टिक में ही क्या हो गया, और ये पूरा का पूरा भर गया है। तो लिपस्टिक वीडियोस करना बहुत टफ होता है। बट काम तो काम है, और काम करना पड़ेगा। आपको पता है मेरे दो बच्चे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, धनश्री और अनंत, उनमें ही दिमाग लगा रहता मेरा 24/7। बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो बस जितना 10-20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम मिलता है, इसी में जो कर लिया वीडियो, वरना 24/7 उन्हीं के लिए है अभी तो। अब हम एक और शेड अप्लाई करेंगे, टीचर ट्राइब शेड नायका ऑल डे मैट। ये भी काफी ब्यूटीफुल पिंकिश पर्पलिश कलर है। ये लिपस्टिक्स ना अलग अलग प्राइस की हैं, ये तो बहुत सस्ती मिल जाती है, नायका ऑल डे मैट। व्हाट अ शेड। तो भाई आप ये पांचों लिपस्टिक परचेज कर सकते हैं। अब मैं शेड एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको, ठीक है। नंबर वन इज नायका मोल्टन मैट लिप कलर 12 नंबर, ठीक है। दूसरा है लैक्मे का 502 लिप कलर फ्रॉम रूज ब्लूम, ओके। मेबलिन का है 150 स्ट्राइकिंग, ठीक है। एंड जो मैंने करंटली लगा रखा है, दिस इज नायका ऑल डे मैट टीचर ट्राइब, ओके। एंड फिफ्थ इज लैक्मे एब्सोल्यूट का लिप मूज 201 पर्पल हेज। और ये पांचों लिपस्टिक्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही है लिप्स पे, एंड कलर आप देख ही सकते हो। और अगर आपको और लिपस्टिक्स देखनी हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं पांचों को पूरी कोशिश करूंगी पांचों को टैग कर दूं, और पांचों लिपस्टिक्स जो हैं लिंक सबसे ऊपर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, ठीक है। और आप मुझे चाहो तो इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, और आप मेरे बच्चों के इंस्टा एंड फेसबुक अकाउंट भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।